चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिक्स्टर एल्गोरिथम को। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है और ये एक पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ए को रेफरेंस लेके, एक स्टार्टिंग पॉइंट को लेके हम लोग सारे नोड्स का मिनिमम पाथ बताते हैं। जैसे कि ए से के अंदर जाने के जीरो पाथ, जैसे ये एक हमारा ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में इस इन सबको बता देता हूँ जीरो को मिल सकते हैं। वो ये कि ए से बी तक जाने का पाथ इतना है और ए से सी तक जाने का पाथ इतना है, बी से सी इतना 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 ठीक है। आपको क्या करना है, ए से ए तक जाने का मिनिमम का पाथ क्या जीरो है, यहाँ से देखें तो जीरो है। ए से ए तक जाने का जीरो होगा, ए से बी तक जाने का पाँच है, पाँच मिनिमम। अब ए से सी तक जाने का आठ है मिनिमम। कैसे, पहले पाँच इधर गए फिर तीन इधर, सी तक आ जाने तो मिनिमम आठ होगा। और ए से डी तक जाने का रास्ता एक 25 हो सकता है, एक 12 हो सकता है, बट एक 5 3 8 एक 2 10 10 भी हो सकता है। मिनिमम लेना तो मिनिमम बता दिया, तो ये आपका आउटपुट होना चाहिए ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम डिक्स्टर एल्गोरिथम। डिक्स्टर एल्गोरिथम मिनिमम पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी अप्रोच होती है इसमें ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग नोड जीरो से चलना है, तो यहाँ पे जीरो मार्क कर दो, बाकी सब में इन्फिनिटी 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 मार्क कर दिया ठीक है। अब इन्फिनिटी मार्क करने का मतलब ये कि अभी डायरेक्ट कोई पाथ मेरे को दिख नहीं रहा है ठीक है, डायरेक्ट कोई पाथ मेरे को दिख नहीं रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सब नोड्स को क्या करना है, रिलैक्स करना है। इसका मतलब ये है सब नोड को स्टेबलाइज कर देना। तो ए के सारे मतलब ए से मिनिमम कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, तो हो सकते हैं एक तो एक रास्ता ही छोटा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है ठीक है। तो मैं छोटा रास्ता ले लूँगा बी तक जाने का, यानी कि बी तक जाने का रास्ता होगा चार, तो जीरो दिस प्लस चार यहाँ पर चार लिखती है ठीक है। अब इस चार का मतलब क्या है, ध्यान समझें, इस चार का मतलब ये है कि ए से बी तक जाने का आपका मिनिमम रास्ता चार होगा ठीक है। ए से बी तक जाने का मिनिमम रास्ता चार होगा, वो मैंने ऊपर लिख दिया ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी बी का काम हुआ, अब ध्यान से अगर हम सोचें तो ये है कि सी बी बचा हुआ है यहाँ पर, और सी में इन्फिनिटी लिखा हुआ ठीक है। तो ए से सी तक जाने का अभी रास्ता इन्फिनिटी है, अभी के लिए करंट के लिए, बट अभी ए को ख़त्म कर देने के लिए, क्योंकि ए से ए तक का तो हो गया, अब ए से बी तक का भी हो गया हमारा ठीक है। ए से बी तक का भी हो गया हमारा रास्ता जो कि ये है, बट आगे जब मैं जाऊँगा आगे मैं ये पता करूँगा कि सी तक का रास्ता कौन सा अभी ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि सी तक का मिनिमम रास्ता कौन सा है, तो ए के जितने भी नेबर्स हम को ले लेंगे, तो नेबर्स अभी फिर ये सी, तो ए से सी तक जाने का रास्ता जीरो प्लस एट एट होगा ठीक है। अभी एट ए के सारे नेबर्स हो चुके हैं, तो ए को भी मैं प्रूव मार्क कर दूँगा ए का काम हो चुका ठीक है, ए का काम हो चुका। अब सब में जगह इन्फिनिटी, बट यहाँ पे चार, यहाँ पे आपकी शुरुआत मिनिमम से होनी चाहिए, तो मिनिमम चार है तो चार से शुरुआत करो, चार से शुरुआत करोगे आप तो आप ये पाओगे कि चार है। अब चार से काम का जा सकते हैं, चार से वापस पीछे जा सकते हैं, बीस जाने की जरूरत है क्योंकि इसका काम हो चुका। अब बी से स्टार्ट करो, बी से आप ये आठ जा सकते हो इधर, ये ग्यारह जा सकते हो, तो कौन सा लेंगे, आठ लेंगे, आठ चार प्लस आठ बारह हो गए, बारह ये बारह क्या दर्शा रहा है, ये बारह चार देख ले रहा है हेलो, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, ये बारह क्या दिखा रही है, बारह ये दिखा रहा है कि ए से डी तक जाने का मिनिमम रास्ता बारह है अभी तक, या अभी तक बारह है रास्ता ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 11 तक तो अभी आए नहीं हैं ठीक है, बट अगर हम 11 तक इस वाले रास्ते को भी आएँ तो क्या पाएंगे कि 4 प्लस 11 यानी कि 15, यानी कि बी के होते हुए अगर सी आएंगे तो 15 आंसर होगा, जो कि 15 लिखना ठीक नहीं है, 8 ही लिखे रहो आप लोग ठीक है। तो सी का काम हो गया, यानी कि सी के सारे फ्रेंड्स यानी कि नेबर्स स्टेबलाइज हो गए, यानी कि डी भी हो गया, सी भी हो गया, सी तो सही लिखा हुआ था, डी सही हो गया। अब कौन कौन बचे, बी का मतलब एक का मतलब बचे हैं सी डी ई एम, ये सब बचे, सब में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, पर डी में लिखा बारह, सी में लिखा आठ, कहाँ से शुरुआत करेंगे, आठ से शुरुआत करेंगे, आठ यहाँ जा सकते हैं, नहीं यहाँ जा सकते हैं, नहीं यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ दो रास्ते हैं जाने के ठीक है, यानी कि इनके नेबर्स में जा सकते हैं हम लोग। तो हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एफ में जाएंगे, क्योंकि जो छोटा रास्ता है उसमें जाएंगे, उसमें गए तो आठ एक नौ, ये नौ हो गया ठीक है। बट सी का एक और चाइल्ड बचा हुआ है सो यहाँ पर छः लिखा हुआ है, सेम चाइल्ड और बचा ई, तो ई का ई तक जाने के रास्ते क्या होंगे, आठ प्लस सात है ना, आठ प्लस सात ये हो सकता है, आठ प्लस सात कितना होता है अपना, आठ आठ सोलह ई पंद्रह हो जाएगा ठीक है। अब पंद्रह का मतलब ये है कि अभी ए से ई तक जाने का रास्ता मिनिमम अभी 15 निकला है ठीक है, तो इस वाया सी जा रहे हैं हम, वाया सी, तो सी के सारे नेबर्स हो चुके हैं सब ठीक है, सी के सारे नेबर्स हो चुके हैं, ए का नेबर हो चुका, बी का स्टेबलाइज, सी का स्टेबलाइज, अब बचा कौन, अब क्या करेगा,
9 लिखा हुआ 15 लिखा हुआ 12 लिखा हुआ बाकी सब इंफिनिटी लिखा हुआ, जहाँ लिखा होता है उसको चूज़ करते हैं। तो अभी कौन सा मिनिमम है, 9 मिनिमम, तो 9 को चूज़ करेंगे। 9 को जैसे मैंने चूज़ किया तो कहाँ का रास्ता एक वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हो चुका काम सी पे जा सकता, ई पे जा सकता हूँ और एच पे जा सकता हूँ। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सिंपली एच पे जाऊँगा, तो 9 प्लस 2 11 यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, ये मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 11। अब 11 हो गया जैसे, तो 11 हो गया। अब यहाँ पे 9 प्लस 6 15 ही होता, तो 15 लिख गया, यानी कि अब एफ के भी सारे मेंबर्स का काम हो चुका है। ठीक है, इनका भी काम हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ 11, यहाँ पर लिखा 15, यहाँ पर लिखा 12। किसको लेंगे, 11 पर लेंगे, क्योंकि 11 ही लेंगे। 11 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, इस एच से मैं 4 यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, जाऊँगा यहाँ मिनिमम होगा, तो मैं जाऊँगा 4 पे। तो 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो 15 महंगा पड़ेगा, तो 12 ठीक नहीं होगा, मतलब डी का काम हो गया। अब किस पे जा सकता हूँ, अब डी का काम हो चुका है। अब इन पे, यानी कि इन पे अभी एच के सारे नेबर्स को कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, बट अभी के लिए काम करो, आप कंसिडर कर लो। तो 11 प्लस 10 कितना होता है, 11 प्लस 10 कितना होता है, इसको कंसिडर कर लीजिए, मतलब कि इस पर्टिकुलर नोड के सारे नेबर्स को कंसिडर करा जा रहा है। तो 11 प्लस 14 कितना होता है, 11 प्लस 14 वो होता है अपना 25। ठीक है, 25 होता है, तो 25 का मतलब अभी अगर मैं ए से चलूँ तो मैं जी तक जाऊँगा 25। अब एच के सारे नंबर होते हैं, इसको मैं डबल मार्क कर लूँ। अभी डबल मार्क कौन नहीं हुए, डबल मार्क डी ई जी आई मार्क डबल नहीं हुए, तो इनमें से चूज़ करेंगे मिनिमम कौन है। मिनिमम है 12 15 25 और ये 21 है, मिनिमम है 12। तो 12 से चलेंगे अब, तो 12 से इस रास्ते आएंगे तो 2 पड़ेगा, तो 2 पड़ रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो 14 हो रहा है, तो 14 ही मेरा कुछ छोटा पड़ा है ना, तो 14 को ले लिया मैंने, सिंपली 14 को ले लिया। अब 14 को ले लिया, अब डी का और लेवल बचे, एच बचे, एच में जा नहीं सकते क्योंकि एच का काम हो चुका। अब जी पे जा सकते हैं, जी पे जाओ, अब जब जी पे जाओगे तो 19 हो रहा है, 19 जाने का, तो छोटा पड़ रहा है, तो इसको 25 को कटा के 19 ही होगा। ठीक है, अभी 19 का दर्शा रहा है, 19 का दर्शा रहा है कि अगर आप ए से जी जाओगे तो मिनिमम रास्ता 19 होगा, पहले 25 आ रहा था। डी के सारे नंबर हो चुके हैं, क्योंकि ई पे जा सकते हो, जा चुके हो, एच पे जा चुके हो, जी पे जा चुके हो, तो डी का काम नहीं डन, तो डी में डबल मार्क। ठीक है, अब बचा मेरा ई जी और आई, अब ये मेरे डबल मार्क नहीं होते, मिनिमम चूज करेंगे, मिनिमम है ई। अब ई से आप कहाँ जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, ऊपर काम हो चुका है, नीचे जा सकते हो, काम हो चुका है, इधर जा सकते हो, काम हो चुका है, काम हो चुका है, तो ये मेरा आंसर, मैंने थोड़ा डबल मार्क कर दिया। अब बचा ये और ये, कहाँ से चालू करोगे, चलो करोगे आप 19 से, 19 में ग्यारह मार्क हो चुका है, 11 मार्क हो चुका है, बचा ये 19 प्लस 9 जो वो 21 से तो बड़ा ही होगा ना, 21 से बड़ा होगा, तो यही मेरा आंसर है, जी का काम हो चुका है। अब आई, आई से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, बट इनका काम भी हो चुका है, तो इनका काम भी हो चुका है, डबल मार्क्स आ रहे होते, तो ये आपका फाइनल पार्ट है। तो अगर आप देखो तो ए से ए तक जाने का रास्ता 0, अब ए से बी तक जाने का रास्ता मिनिमम क्या है, 4 है ना। ऐसे ही आप सबका निकालोगे, ए से मान लो लेटेस्ट से ई तक का जाने का मिनिमम रास्ता क्या है, वो 40 मिनिमम है। ठीक है, और ए से अगर आपको आई जाना है तो मिनिमम रास्ता 21 है, और ए से अगर आपको जी जाना तो मिनिमम रास्ता 19 है, जो कि पहले कुछ दिन पहले 25 आ रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल एल्गोरिथम, डिजिटल एल्गोरिथम में एक चीज़ और यह ध्यान रखनी हुई है कि अगर कोई नेगेटिव आ जाते हैं, ये नेगेटिव वेट आ जाते हैं, नेगेटिव वेट्स, तो वो अलाउड नहीं है, नेगेटिव वेट्स आर नेवर अलाउड इन डिजिटल एल्गोरिथम। ठीक है, नेगेटिव वेट्स आप कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव वेट्स को कभी भी कंसिडर हमको नहीं करना। तो बस इतना सही है इस क्वेश्चन में। और एक चीज़ और ये कि अगर मान लो कि सब वेट्स हैं, सब में 10 10 10 का प्लस कर दूँ, तो क्या सेम पाथ रहेगा मिनिमम जाने का, नहीं, पाथ चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लो सब में 10 चेंज करूँ, 10 10 10 10 10, तो जो आई तक जाने का मिनिमम रास्ता है, क्या वो उसके बाद भी रहेगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आप करके दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो डिजिटल एल्गोरिथम मेरा बोल रहा है, डिजिटल में आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको एक पर्सन से लेना, आप BFS करना, मतलब कि अभी इसके सारे नेबर्स को स्टेबलाइज कर दो, फिर इसको डबल मार्क कर दो, मतलब ट्रू उसका काम हो चुका है। फिर जब फिर मिनिमम चूज करना है आपको, कहाँ से चालू करें, 4 से कि 8 से, तो 4 से चालू करेंगे, फिर सेम काम करेंगे, वापस आप हार नहीं सकते क्योंकि इसका काम हो चुका है। ऐसे सबको बढ़ता जाएगा और ये टेबल जो है आपको प्रिंट कर देंगे। अब इसका C++ का कोड भी वो हम करेंगे बहुत जल्द, बट उसके साथ साथ C++ को कोड के साथ एक चीज़ और ये कि मिनिमम चूज करें तो हम उसमें प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम हीप का, मिन हीप का इस्तेमाल करेंगे। अब मिन हीप जब हम कोड देखेंगे तभी हम इस चीज़ को देखेंगे। बेसिकली हम मिनिमम ही चूज़ करें ना, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, तो मिनिमम हीप का इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजिटल एल्गोरिथम।